तो कैसे हम सब बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आउट की गया, जिसमें 3000 प्लस वैकेंट पोस्ट्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फॉर्म जो लगना स्टार्ट हो रहे हैं। मैं बता दूँ, ठीक है, 21 फरवरी 2024 से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट की बात करूँ भाई, लास्ट डेट के 6 मार्च 2024 को उसकी लास्ट डेट रखी गई है, जिसका ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा मार्च के मंथ में शायद करवाया जाए। ये टेंटेटिव डेट है लेकिन पक्का नहीं है, लेकिन लगता है कि मार्च के मंथ में जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डिटेल इस वीडियो में जान के क्या कुछ क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं और क्या कुछ एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है, जहाँ पे देख सकते हैं एकदम ऑफिशियल नोटिस है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी जहाँ पे रखी गई, 3000 वैकेंसी जहाँ पे आउट की गई हैं। ठीक है, सीधा मेन मेन पॉइंट पर बात करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसके लिए भर्ती के लिए एलिजिबल है। आप किसी भी स्टेट से इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, जहाँ मर्जी से बिलोंग करते हो इंडिया के सिटीजन से, सो आप भाई इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब मेन मेन पॉइंट पर बात करते हैं। सो जहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे देख सकते हैं मैं बता दें 3000 जहाँ पे पोस्ट रखी गई हैं। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन के मोड पे जो अप्लाई होंगे और 21 फरवरी से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं और 6 मार्च 2024 को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप खुद भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब, मैंने बताया टेंटेटिव डेट शीट इसकी मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, सो एप्लीकेशन फ़ी मैं बता दूँ, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स हैं ना, उनके लिए 175 फ़ी रखी गई है और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी में उनके लिए 850, यानी कि 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है आप सब लोगों की, जहाँ पर देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी वाले। एज लिमिट की बात करो, मिनिमम 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम 26 ईयर जहाँ की आपकी एज रखी गई है। ठीक है, अब मेन जो मुद्दा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, ठीक है, सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला जो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। ठीक है, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास बीए बीएससी कुछ भी है लेकिन डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री हो, ये नहीं मैटर करता कि आपके बीएससी होना चाहिए, बीए या बीकॉम, ठीक है, आपको सिंपल डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन की। और साथ में मैं बता दूं जो मेन पॉइंट जहाँ पे देखने वाला है कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2020 के बाद ग्रेजुएशन किया है ना, वही लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। फिर से बता रहा हूँ, 31 मार्च 2024 के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वही लोग इस भर्ती के लिए सिर्फ एलिजिबल हैं, जहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट वाइज जहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, अंडमान निकोबार आइलैंड यूटी के लिए 1 निकाली गई, आंध्र प्रदेश के लिए 100, अरुणाचल प्रदेश के लिए 100 वैकेंसी, बिहार के लिए 210 जहाँ पे निकाली गई। आप जहाँ पे देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात करो, सो जम्मू कश्मीर के लिए जहाँ के 8 इस तरीके से रखी गई है। आप ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। और मेन बात साथ में ये भी बता दूँ, इस आपको पता है इस टाइम आर्मी के जो रिक्रूटमेंट चल रही है, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के फॉर्म भी लग रहे हैं और आर्मी जीडी के फॉर्म भी लग रहे हैं। अगर कोई भी आप में से फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे दोनों में से किसी भी नंबर, एक नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फॉर्म फिलअप कर देंगे बिल्कुल डिस्काउंट में। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, सो जहाँ पे टोटल वैकेंसी मैम बता दिया कि 3000 पोस्ट जहाँ पे निकाली गई हैं, इसको अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अदर जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।